It is never a self-made success. It's always because a lot of people have worked. A lot of people, haan, wo mane na mane, alag baat hai, lekin uski kamyabi ke piche bahut logon ka haath hota hai. So team kya hai? Teamwork ek soch hai. Ye soch bolti hai aapse ki apne se upar uth. Apne se upar uth aur apne se upar hoke soch. Teamwork ka matlab hai ki apne se upar hoke kaam karna. Apne mein limited na rehna. Apne mein seemat na rehna. Ye teamwork hai. Ye soch hai. Ye soch hai ki aapse bolti hai ki aap jis team mein ho, us team mein apne aap ko kho dena hai. Us team mein apne aap ko samarpit karna hai. Us team mein apne aap ko utha ke us team ke bare se, us team ke hisab se sochna hai. Team mein jaise aate ho to aapko khud ko khona padta hai. Ye ek soch ki baat hai. Jab main soch ki baat kar raha hu to soch ka matlab hai it can be used anywhere. Just like a currency, कि आपके पास currency है, पैसा है, तो आप उससे कपड़े खरीद सकते हो, आप उससे जूते खरीद सकते हो, आप उससे गाड़ी खरीद सकते हो, टीवी खरीद सकते हो. इस तरह ये सोच है. तो ये सोच सिर्फ कंपनी को लेके नहीं है, ये सोच आपके घर को लेके भी है, ये सोच आपके देश को लेके भी है, ये सोच आपके समाज को लेके भी है. कि ये टीम वर्क क्या है? टीम वर्क का मतलब है, क्या मैं खुद से ऊपर उठ सकता हूं? क्या मैं खुद से ऊपर उठ के जिंदगी जी सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल, डिक होइत, एक नाम है डिक होइत के नाम से. इनका बच्चा होने वाला था. बड़े एक्साइटेड थे कि लड़का हो रहा है और या लड़की हो रही है. 1962 में फिर इनका बच्चा होता है. और जब बच्चा होता है तो डॉक्टर इनको एक न्यूज़ देता है कि सॉरी, ये बच्चा आपका नॉर्मल नहीं हुआ. क्योंकि जब बच्चा पैदा हो रहा था, जब भी पेट में था माँ के, तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इसके गले में अटक गई और इसके ऑक्सीजन ब्रेन को कम मिला और इसको सेरेब्रल पैल्सी नाम की बीमारी हो गई. तो अब ये बोल नहीं पाएगा, इसका बॉडी लिम्स जो है वो लिमिटेड काम करेंगे, ये व्हीलचेयर पे रहेगा पूरी जिंदगी भर. और उन्होंने इस बच्चे को पालना शुरू किया. 5 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, ये बच्चे की देखभाल करते रहे. और फिर जब ये बच्चा 9 साल का हुआ, 1970 के आसपास, 71 के आसपास, इन्होंने कुछ पैसा खर्च करके एक कंप्यूटर बनवाया और उस कंप्यूटर से उस बच्चे ने इनसे बोलना शुरू किया. तो जब पहली बार वो कंप्यूटर आया और उस कंप्यूटर से बच्चा अपने मन की बात टाइप करके बोलना, 1970 की बात बता रहा हूँ, तो वो टाइप करेगा और कंप्यूटर कुछ बोलेगा, तो इन्होंने कहा वो बच्चा बोलेगा पापा, वो बोलेगा मम्मी. तो बच्चे ने टाइप किया एक नेशनल हॉकी क्लब का नाम. 9 साल का बच्चा जो बोल नहीं सकता, जो बात नहीं कर सकता, जो हिल नहीं सकता, लेकिन उसने इतना टीवी में देखा तो उसको स्पोर्ट्स से कितना लगाव था, ये उस दिन मालूम पड़ा माँ बाप को. तो माँ बाप ने कहा अगर ये इसको इतना अगर लगाव है स्पोर्ट्स से, तो क्यों ना हम इसके लिए और कुछ करें. तो उन्होंने इसको एक अच्छे स्कूल में डाला जहाँ स्पोर्ट्स की बड़ी एक्टिविटी होती है. और ये बच्चा देखता था बच्चों को खेलते खेलते. ऐसे 2-3 साल और निकले. फिर एक दिन उस स्कूल में एक 5 किलोमीटर की रेस होनी थी और उस रेस में लोगों ने पैसा इकट्ठा करके एक बच्चा जो अपाहिज हो गया है उसके लिए, एक बच्चे के लिए पैसे इकट्ठे करने थे. अब ये रिक जो बच्चा है, जो ये सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है, ये अपने पापा को टाइप करके बोलता है कि मुझे भी रेस में पार्टिसिपेट करना है. अब ये पापा 39 साल का था. इसको समझ नहीं आया कि मैं इसको कैसे बोलूं कि तू भाग नहीं सकता, तू ना चल सकता है ना हिल सकता है, तू कैसे पार्टिसिपेट करेगा. लेकिन उसने बार बार टाइप किया मुझे पार्टिसिपेट करना है. तो ये बाप अपनी लिमिटेशन से बाहर निकला. बिकॉज टीम वर्क इज, एक सोच है टीम वर्क, अपने आप से ऊपर निकलना, अपने से बड़े से कुछ कनेक्ट करना. और ये बाप जो है अपने बच्चे रिक को लेके ये स्कूल रेस में गया और व्हीलचेयर में उसके साथ भागा. वो 5 किलोमीटर ये दोनों भागे बाप बेटे और रेस में लास्ट आए, क्योंकि सब लोग अपना अलग भाग रहे थे और ये अपना व्हीलचेयर को लेके भाग रहा था. और ये डिक जो फादर होता है ये बोलता है कि हम लास्ट आए, लेकिन उस दिन मैंने अपने बच्चे के चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कुराहट देखी. और उस मुस्कुराहट के लिए एक बाप क्या नहीं करेगा, ऐसी हजारों रेस भागने को तैयार है, ये उस बाप ने उस दिन बोला. रात को रिक टाइप करता है अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर पे, और वो बोलता है अपने फादर को कि पापा, ये लाइफ में पहली बार मुझे आज हैंडीकैप महसूस नहीं हुआ. आई नेवर फेल्ट आई वॉज अ हैंडीकैप चाइल्ड. अब एक बाप जो अपने बच्चे की ये बात सुन रहा है कि मेरा बच्चा आज पहली बार उसको लग रहा है कि वो हैंडीकैप नहीं है, तो उसके अंदर जो भावना निकली, उसने कहा मैं और क्या कर सकता हूँ. और ऐसा करते 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 जब बच्चा वो 19 साल का हुआ, तो जब तक डिक ने अपने आप को डेवलप किया,
रोज एक्सरसाइज करने लगा, अपने आप को शेप में लेके आया, वेट्स करने लगा, रनिंग करने लगा, व्हील चेयर पे वेट रख रख के भागना चालू किया। और जब रिक 19 साल का हुआ, 1980 के आसपास उन्होंने बॉस्टन मैराथन में पार्टिसिपेट किया, फुल मैराथन में, और 42 किलोमीटर ये दोनों बाप बेटे भागे, जहां बच्चा व्हील चेयर में था और बाप भाग रहा था पीछे लेके। और तब से इनका भागने का सिलसिला जारी हुआ और पूरी दुनिया में इनका नाम है, बाय द नेम ऑफ टीम हॉइथ के नाम से जाने जाते हैं। 2014 में जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया डिक ने, क्योंकि बहुत बूढ़े हो चुके थे, तब तक 1975 से लेके ये 2014 तक, इन सालों में, इतने इयर्स में, इन्होंने 1000 से ज़्यादा रेसेस में पार्टिसिपेट किया एज अ टीम ऑफ अ फादर एंड सन। और ना सिर्फ मैराथन में पार्टिसिपेट किया, उन 1000 रेसेस में से 255 रेस ट्राइथलॉन थी। ट्राइथलॉन का मतलब क्या है कि आपको भागना भी है, आपको साइकिलिंग भी करनी है, आपको स्विमिंग भी करनी है। तो ये भागते थे अपने बच्चे को उस व्हील चेयर में लेके, फिर स्विमिंग करते थे उसको बोट में रख के, और बोट को कमर रस्सी कमर में बांध के स्विमिंग करते थे उसको उस पार ले जाके, और साइकिलिंग में उस बच्चे को अपने आगे रखते थे, जो बच्चा अभी बच्चा नहीं रहा, 20-25 साल का लड़का हो गया, उसको आगे फिट करके ये साइकिलिंग करते थे। और फिर एक दिन उन्होंने उसकी भी अथाह करी कि दुनिया की सबसे डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन, जिसको बोलते हैं आयरन मैन, और उस आयरन मैन में 42 किलोमीटर भागना होता है, 180 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है, और रफली 4 किलोमीटर स्विमिंग करनी होती है। और इन्होंने वो आयरन मैन किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6 बार इन 25-30 सालों में आयरन मैन किया। तो जब एक टीम के रूप में आप आते हो, तो आप अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलते हो। जब आप टीम के रूप में आते हो, अपने से ऊपर उठते हो और बहुत कुछ करने के लायक बनते हो।